तो दीन बंधु दया निधि और हे देवन के देव लाज रखो संकट हरो कैलाशपति महादेव। आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधु, आज हम संजय स्टूडियो मठसेना की तरफ से लेकर के चल रहे हैं 2020 और 21 के बीच में जो किसान आंदोलन कितना भारी हुआ उसके बारे में, जिसमें किसानों का दर्द कितना है लोगों, तो आ जाइए दोस्तों। अरे सुमिरण करके माता पिता को गोच्छा में सोए हम पैर पसार, माता निर्मला मेरी जान तो पिता मेरे श्री राजकुमार। और माँ के समान कोई रे जग में जो गुर नहीं पड़े लखाई, माता हमारी है जो ऐसी तो उनने विद्या दई सिखाई। अब लय लेखनीय धर्म पालने पद कमलन में ध्यान लगाई, गुरु अपने को सुमिरण करके तो नैया तीजो पाल लगाई। और इष्ट देव कोई अपने सुमिर बाबा ब्रह्म देव महाराज, कृपा सदा तुम मोह पे रखियो तो हर दम सरे हमारो काज। और मैया सुमिरी बेहद वाली तो जननी रख लेला जहवारी, आज कभी से गहरा केर जंगल में तो यमुना जी की मौज बहारी।
आ जाइए दोस्तों। आज ये आप जो किसान आंदोलन है वो अपनी चरम सीमा पर है। किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। दुख की बात तो ये है कि आज मेरे देश के किसान पर इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हुई तो इस सरकार की वजह से, जिसने ये तीनों कानून पास किए हैं जो किसान के अहित करने के लिए हैं। और अगर हमारे देश में जवान और किसान नहीं हो तो हम सुरक्षित नहीं। लोगों क्या दशा है भाइयों, ये आप सुने धर्मपाल शास्त्री की आवाज में। और दशा भयानक है भारत की, कैसी अब हम करी बखान पलनहार, देश दुनिया को तो झेल रहो दुख आज किसान। बड़े ही कष्ट में हमारे किसान भाई, और देश सुरक्षित है सीमा पे तो खड़े और जबर है जवान। आज जन सुरक्षित है रे खेती में तो हर दम मेहनत कर तू किसान। हमारे जवानों की वजह से और हमारी जान सुरक्षित है तो किसानों की वजह से दोस्तों। अब यही सुरक्षित जब नहीं रही है तो भारी आवे वो कष्ट मोहन, और आन बान और शान दे सकी है ये जवान और किसान। जो पुलवामा पर हमला हुआ क्या दशा हुई भाइयों, और भाइयों यार पुलवामा हमला कई एक शहीद भय जवानी, और खबर फैल गई है भारत में तो मारे गए हमारे जवान। मेरे नौजवान साथियों, जिस वक्त पुलवामा हमले में हमारे देश के सिपाही शहीद हो गए तो सारा देश कुमला गया, और जब ये दशा भारत देश की देखी हमारे जवानों ने तो देर नहीं की लोगों, नंगी खे
शोक से परेशान है, खड़े हो गए, हथियार सजा लिए, चल दिए। और सोच योद्धा के मन अपने में, चाहे जान रहे रे चाहे जाए, नहीं धरी बदलो या वही लिए चुकाई। और जब बोल दो सब ज्वाजन ने अपने दीने ही दुश्मन की पहुंचे तुरंत बाहर नहीं लाई। जवान से हमारी सीमा सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, आजाद है। और मेरे विचार तो ये हैं, फौजी भारत देश का है मानो सरताज, इनसे ही भारत करे खुद भारत। भाइयों, हमारे जवानों की वजह से हम सुरक्षित हैं और किसानों की वजह से हम सुरक्षित हैं। लेकिन इस समय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की बात को नहीं मान रहे हैं। एक बात और बताएं दोस्तों, मोदी की भी गलती नहीं है, हो जाता है। और ताल बिगाड़ो है रे काईयने,
चुगलियों की वजह से परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, आदमी की बुद्धि बदल जाती है। और बाबा मही पली रही बालों को महिल चुगला खोद बदकारी नाक कर कर चुगली ये सब भारत में सब गढ़ कर दे पनिया ढारी और चुगला मंथरा दर नहीं होती तो नहीं होता राम बनवा सीता को तो भी नहीं कर तो उपहास और सोई चुगल खोर कोई उपजो मोदी की दई बुद्धि बिगाड़ी लेकिन नरपति नरेंद्र मोदी कछु अपने दिल कर हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी अपने दिल का विचार किसानों से बोल दो, जो बार बार आप सभा लगाते हो और वो भी निष्फल हो जाती है। आप समझ रहे हो किसानों के दर्द को, क्या दर्द है किसानों का इस समय। भाइयों किसानों का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, देखा नहीं जाता। कितनी जबरदस्त ठंड में और किसान दिल्ली में बैठा हुआ है, सर्दी झेल रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। और दशा क्या है दोस्तों, अब एक आपदा तन पे झेली तू जी विपत्ति करता रिम झिम रिम झिम में हा पर से नन्नी नन्नी पड़े फुहारी दोस्तों किसान भाई बैठे हैं दिल्ली में, बारिश भी होने लगी और टेंडे और तंबू सब भी के चोले कंद कूले से लगाई और कपड़ा भीगे सब तन भीगो तो सर्दी भारी रही सताई किसान आ रहे हैं दिल्ली की तरफ,
प्रशासन रोक रहा है, नहीं रुक पा रहा है। और कछु किसान हजार पंजाब कछु महाराष्ट्र से गए ही आए और खंड युतरा से धर धम के तो दहली धुरो रे दबाए लावा कि सरकार की चार बार बात होने के बाद भी अभी भी किसानों की बात को नहीं मान रही है। किसानों को जोश आ गया, सारे निकल दिए अपने घर से, बढ़ गए दिल्ली की तरफ। हाय हाय, चल भय कर दी नोर भारी ऐलान। अब तो किसान आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच गया और चले किसान आज उम्मीद जिनकी जग जाहर तलवार आज डटी शेरनी बुलंद शहरी लंबी जब रही देती ललकार। दोस्तों, आज तो दिल्ली में सारे किसान पहुंच गए। दर्द तो इस बात का है कि 40 दिन के मध्य में 57 किसानों की शहादत हो गई। बड़ा दर्द है मुझे और मैं उन सभी किसान भाइयों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन इधर किसानों का क्रोध और भी उबल पड़ा। सारे किसान चल दिए कि सोच समझी मन अपने तो तज की परिवार किसान चलो है हम जाई रहे आंदोलन में बच्चन को करे भगवान भलो है। Yeah.
हम जाई रहे आंदोलन में, बच्चन को करे भगवान भलो है। किसान सोच करके चल दिए, रास्ता में पुलिस आई ने रोक रही, पर कैसे उठा लेना ही चलो है। सरकार न बात को मान रही, अब देश को सारो किसान चलो सोचने लगे सरकार को मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। और कहने लगे किसान भी सरकार से मुंह तोड़ जवाब दिया, अगर तुम भी अपनी जिद पर हो तो हमने भी ये जाना है। वो तो आपको हटाने ही पड़ेंगे, और जब तक ये कानून नहीं हटेंगे तब तक हम घर जाने वाले नहीं। और एक बात और बताएं आपको, हम नहीं हटेंगे दहलीज, जब तक कानून न हट जाए। सत्तावन हुए शहीद यहाँ, चाहे हम सब ही मिट जाए। मेरा भी ये कहना है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब जब आपको जरूरत पड़ती है तो किसानों के पास में आते हो, भाषण से वक्तव्य करो, भाषण से वक्तव्य करो, तब कहते हो कि किसान हमारो। और होई इलेक्शन जब मोदी जी, तब तब आई किसान जुहारो। जब जब इलेक्शन होता है तो किसानों के
किसानों की मानो तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि अगर कुछ करने वाला है देश का तो किसान है, चाहे किसी को आगे बढ़ा दे या चाहे गिरा दे। हम सोच समझ के बेन सही ले बात किसान की मानित ज्ञानी, तुम हूं अपने काज करो घर जाई किसान ये करे किसानी।